हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल #beauty। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम डिज़ाइनर ब्लाउज, जिन साड़ियों में डिज़ाइनर ब्लाउज आते हैं, उनको और भी अच्छे से सिल सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से। तो मैं ये कफ वाला बनाऊंगी। इसके लिए आपको टक्स कर ले, टक्स का नाप ले लेना है। टक्स का नाप लेकर आपको ये पेट को पेट उसको इसे बीच में टक करके दोनों को पीछे से टक करना है। और उसके बाद कुछ पेक कर ये पेक कर दिया मैंने, ये पीछे पेक रहे हैं अपने अस्तर में से। ये आगे का ये पीछे वाला पार्ट है, पीछे पार्ट को मैंने आगे से ये रख कर और सिलाई लगा दी है। इसको पलट देंगे हम, जैसे इसको पलट रहे हैं वैसे ही आगे वाली से पलटा पलट कर इसमें फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे, ये कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ से लाइनिंग के पास है और गले के पास से लगा देंगे तो इसमें फिनिशिंग जाएगी ठीक से। इसमें सलना है, सुधार करना है, यहाँ से गले में लगाएंगे। अब ये मैंने लगा दिया मशीन, ये इधर से ऐसे जैसे हमने पीछे के हिस्से को पलटा है वैसे ही आगे के हिस्से को पलटेंगे हम लोग। स्पेसेस में सिलाई लगा देंगे। अब ये मैंने लगा ली है फिनिशिंग की। अब ये टक्स डालेंगे, इसके लिए 4 इंच से टिक करेंगे, ऊपर से 4.5 लेंगे। इस तरह से लंबी लाइन खींच देंगे हम 4.5 तक, इसके से डार्क करेंगे और फिर आधा इंच इधर रख कर आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस टाइट करके हम टिक कर देंगे, जिससे हमें इधर लास्ट में मिलाना है तिरछा करके और इस पर सिलाई चला देंगे। तो ये टक्स बन जाएगा, जैसे इस साइड किया है वैसे ही दोनों साइड करके ये सिलाई लगा देनी है। मैंने लगा दी सिलाई, ये पीछे का पार्ट हमारा बन के तैयार है। डोरी मैंने लगा दी है, डोरी लगाई है, इसमें आप लटकन लगा सकती हैं। अब ये आस्तीन बनाएंगे हम लोग। आस्तीन मैंने जैसे काटी थी वैसे ही रखी है और इसके बाद इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर इसको आस्तीन को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर ऊपर लाइनिंग को रखेंगे। लाइनिंग रखकर मैंने ये मशीन चला दी है। अब इसको ऐसे पलटना है, ऐसे पलट कर इस पर एक और फिनिशिंग मशीन चला देंगे हम फिनिशिंग के लिए एक और किनारे से। और अब ये जो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों रखेंगे, सामने वाला पार्ट है इसको ऐसे इसके ऊपर रख कर कंधी जोड़ देंगे। इधर से ऐसे मशीन लगा देंगे हम दोनों में। मशीन लगा दी है मैंने। अब हम इस तीन को टच करेंगे, अटैच करेंगे। तो जैसे कि मैंने ये देखो इसमें वो लगा ली है लेस आस्तीन में। अब इसको ऐसे बीच में से टक्स एक बीच दोनों को फोल्ड करके निशान लगा लेंगे, बीचों बीच से जोड़ेंगे। इधर से चलाते जाएंगे मशीन और फिर से लौटा के लेके आएंगे और ये हमारा टाइस हो गया है। अब हम इसमें फिनिशिंग, इसमें हम वो देंगे फिटिंग। तो फिटिंग के लिए हमने जितना लिया है उसमें एक्स्ट्रा जो छोड़ा था उतना नाप लेकर पीछे साइड से आप टिक कर दीजिए, तो आपको अपने फिटिंग का हिसाब का मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के उसके अब हम इसमें फिटिंग की मशीन सिलाई डालेंगे। जितना हमने लिया है उसका जितना एक्स्ट्रा लिया था उधर से पीछे से उसमें उतना टिक कर देंगे और हमको अपनी फिटिंग अपने आप से मिल जाएगी। इधर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 2 इंच लास्ट से कम कर दिया।